इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश सरकार के द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी छिंदवाड़ा जिले में गौशाला संचालन में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गौशाला में लगातार अनियमितता मिलने के बावजूद भी संबंधित विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आज परासिया विकास खंड की मोहन सुधा गौशाला मोटार में गायों की स्थिति को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनुदान प्राप्त सरकारी गौशाला की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है, जबकि यहां पर मृत होने वाली गायों को पास के ही कुएं में फेंक दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं। गौशाला में कभी भी आए दिन में गऊ मरते रहती है, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। सरपंच और सरपंच को बोलो तो बोलते कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे गाय ऐसी फेंक दिया जाता है, गड़ाया नहीं जाता, बोले फंड नहीं आता। सचू से बोलो तो कुछ ऐसा व्यवस्था है, डॉक्टर भी कभी काल आते हैं नहीं आते हैं। और गैये आज कल से खत्म हुई है कुएं में, तो उनको पता नहीं है, थोड़ा सा लापरवाही ये बपर रहे हैं, अभी तक सुधार में नहीं है। आपने सरपंच सचिव से इसकी शिकायत की? सरपंच सचिव से शिकायत की, उनको तो पता ही नहीं था कि एक गाय खत्म हुई है। जब मैंने बताया उनको, जब पता चल रहा है, बोले तो सब अच्छा चल रहा है। मैं पूछा सरपंच से तो सब अच्छा चल रहा है, बोले सरपंच मैडम। तो संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम अह के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, अतुल गजभिये सहित अन्य लोग मौजूद थे। किसी एक समाज के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया, जो बाबा साहब को पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया। और उन परिस्थितियों में जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, कैसे कैसे अन्याय होते थे, अत्याचार होते थे, किस प्रकार से उनकी उपेक्षा हुई, मगर बाबा साहब के मन में कभी मलाल नहीं रहा, किसी के प्रति मलाल नहीं रहा। सभी लोग हम देश को एकजुट करने के साथ एक विचारधारा से चल रहे हैं। आज़ादी के बाद से भारत हमेशा संविधान के नक्शे कदम पर चला है, जहां सभी धर्म के लोग, सभी जाति समुदाय के लोग एक सूत्री कार्यक्रम, सभी का एक जैसा देश हो, सभी के एक जैसे अधिकार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी धर्म और सभी जाति ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक अधिकार जिए, ऐसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा थी और उसी इच्छा के अनुसार आज हम लोग चल रहे हैं। जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नागपुर मध्य रेलवे मंडल की DRUCC मेंबर सतेंद्र ठाकुर, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य रंजीता जहरिया, शरद कुरोलिया, चंदा वर्मा, आशीष अग्रवाल, अशोक जुनेजा के संयुक्त सहयोग से वाटर कूलर प्रदान किया गया है। इससे अब रेलवे यात्रियों को जुन्नारदेव प्लेटफॉर्म में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में राहगीरों के लिए, यात्रियों के लिए आज एक वाटर कूलर 53,000 रुपए की राशि का रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। साथ ही इसके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, वो भी स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य के सदस्यों ने इसका व्यय स्वयं उठाया है। इसके लिए मैं छिंदवाड़ा जुन्नारदेव स्टेशन सलाहकार समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यात्रियों के लिए इतनी चिंता की। और चूँकि अभी यात्रियों को गर्मी के मौसम में पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इतनी राशि वाटर कूलर के प्रदान करना निस्संदेह बहुत ही गर्व की बात है। नियमितीकरण करने की मांग को लेकर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों ने आज दीनदयाल पार्क में एकत्रित होकर बैठक आयोजित की, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको। मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में विगत 27 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का बहुत शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सभी आज यहां पर एकत्रित हुए हैं और पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी व्यथा को प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के पास पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में आज रोजगार मेले का आयोजन जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में किया गया। कलेक्टर शीतला पटले और जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण के निर्देश पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रोजगार के लिए आवेदन किया।
वार्ड नंबर 42 के दिवंगत पार्षद राजेश भोयर को श्रद्धांजलि देने के लिए आज नगर पालिका निगम महापौर विक्रम आहके और निगम कमिश्नर राहुल सिंह उनके निज निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत पार्षद राजेश भोयर के पिता से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वार्ड नंबर 42 में स्वच्छता व्यवस्था का भी जायजा लिया और जहां पर समुचित साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने संबंधित वार्ड दरोगा को जमकर फटकार भी लगाई। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार विधिक दिवस यानी कि संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज में विविध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें निबंध, लेखन, तत्कालिक भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं शामिल थी। संविधान दिवस के अवसर पर एक सप्ताह तक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विद्यार्थी प्रत्येक कॉलेज में जाकर संविधान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विधि दिवस यानी संविधान दिवस का आयोजन किया गया, इसमें विद्यार्थियों के द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन और तात्कालिक रूप से जो भाषण है उसमें अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना सतपुड़ा विधि महाविद्यालय की पुरुष और महिला इकाई के विद्यार्थियों के द्वारा भी संविधान के महत्व और विधिक जन जागरूकता के कार्यक्रम सप्ताह भर शहर के विभिन्न शालाओं और महाविद्यालयों में जाकर उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना और अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को बताने का भी कार्य किया जाए। कांग्रेस कार्यालय में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद थे। एक सपना देखा था भारत में कि एक भेदभाव देश में ना हो, या अमीर गरीबी ना हो, हर जाति वर्ग के लोग एक साथ अपने सौहार्द के साथ, एक भाईचारे के साथ इस देश में जीवन यापन कर सके। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न जातियों के लोग हैं, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, उनके लिए अगर बाबा साहब ने संविधान नामक एक ग्रंथ दिया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस 2 महीने पहले लागू हुआ था और इसकी हमें हमारे संविधान का जो संगठन था उनने संविधान दिवस लागू किए थे। जब हमारे देश स्वतंत्र करने वाले व्यक्ति तो थे और जब हमारी सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कांग्रेस की पहली सरकार में उस विद्वत व्यक्ति का सम्मान के लिए उनको समझा जाना और कहा कि इसमें यदि देश का कोई संविधान सूचीबद्ध कर सकते हैं, उसको संविधानिक रूप दे सकते हैं, उनका नाम सबसे प्रथम आया बाबा साहब अम्बेडकर। नगर पालिका निगम के द्वारा वर्ष 2022-23 में अच्छी रैंकिंग लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर को स्वच्छ रखने के लिए निगम का स्वच्छता अमला दिन रात मेहनत में जुटा हुआ है। शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर पालिका निगम के द्वारा शहर की दीवारों में पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें शहर के विभिन्न पेंटर इसे बनाने में लगे हुए हैं। महापौर विक्रम आहके ने बताया कि स्वच्छता का संदेश देने वाली सबसे बेहतर पेंटिंग के पेंटर को निगम के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। 2023 का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पेंटिंग्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस पर खजरी चौक पर हमारी जो दीवारें हैं उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने पेंटर को आमंत्रित किया, जिसमें हम अच्छे पेंटिंग्स करने वाले कलाकारों को पुरस्कार वितरण भी करेंगे और ज़िले में एक स्वच्छता का संदेश जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है
राष्ट्रपति पुरस्कार से अवार्डेड है। इसके लिए भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी 2023 के लिए अधिक बनती है कि छिंदवाड़ा के हर जनमानस को स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए और छिंदवाड़ा का गौरव, छिंदवाड़ा के शहर को स्वच्छ बनाकर रखना।